स्किन केयर हमारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए अपनी स्किन की केयर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किन केयर ब्रांड कॉस आईक्यू के बारे में, जिसने कम टाइम में बहुत ही अच्छे से मार्केट को कैप्चर किया, और यही नहीं, यहाँ तक कि शार्क टैंक इंडिया में भी जजेस को इम्प्रेस किया और फंडिंग उठाई। मैं एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, बिकॉज यू नो मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्रोडक्ट्स। तो पहली बात तो आई लव द सनस्क्रीन सीरम, सिमिलरली विटामिन सी। मुझे लगता है कि यू नो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बोलना कि 23% है और फिर भी स्टेबल है, 2 साल शेल्फ लाइफ है, काफ़ी अच्छा है। मुझे बस आपको कंग्रेचुलेट करना था कि आपने 3 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने आज हमारे साथ है स्किन का ख्याल रखने वाली स्किन केयर ब्रांड के फाउंडर अंकल तलवार। नेम इज कनिका एंड को फाउंडर ऑफ कॉस आईक्यू। और मेरा नाम अंगद है। शादी होते ही पहला सवाल एवरीबॉडी स्टार्टेड आस्किंग, व्हेन इज द बेबी कमिंग। सो वी डिसाइडेड टू हैव वन एंड दैट्स हाउ कॉस आईक्यू वाज बोर्न। चूंकि स्किन केयर इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रहे हैं और बड़े ब्रांड्स को चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या है स्किन केयर ब्रांड कॉस आईक्यू की सक्सेस स्टोरी, जानेंगे आज हम। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा सिंह एंड वेलकम टू द ई कॉमर्स गुरु एंटरप्रेन्योर सक्सेस स्टोरी। सो हेलो सर, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट सर, आई एम ग्रेट। सो प्लीज टेल अस अबाउट योर कंपनी, की आपकी कंपनी करती क्या है। सबको पता है कि ये स्किन केयर से रिलेटेड है, बट क्या, किस टाइप की सर्विसेज देती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स ये मार्केट में देती है, और क्या अभी तक का इसका सफर रहा है, प्लीज बताइए। तो कॉस आईक्यू एक मॉलिक्यूलर स्किन केयर ब्रांड है। हम लोग एक्टिव बेस्ड साइंटिफिकली बैक्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में कुछ भी ऐसा मार्केटिंग क्लेम नहीं है कि ये नेचुरल है या ऑर्गेनिक है या इसमें नींबू का रस है या इसमें मिर्ची पाउडर है, संतरे का रस है, राइट राइट। तो हम बहुत एथिकल, बहुत साइंटिफिकली फॉर्मुलेट करते हैं प्रोडक्ट। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो हम बताते हैं इसमें ये वाला मॉलिक्यूल है, ये आपको ये फायदा देगा, इतने टाइम में देगा। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू शेयर नॉलेज एज वेल एज प्रोवाइड प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली गिव यू रिजल्ट्स, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपको रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि हम क्लेम कर रहे हैं या हम मार्केट कर रहे हैं कि हम एक चीज को ड्रेस अप कर रहे हैं कि इससे आप गोरे हो जाओगे, इससे आप 3 दिन में सुंदर दिखोगे या आपकी स्किन का कलर बदल देंगे। हम बहुत एथिकल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो एथिकल है, वो क्लेम्स करते हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लेबल्स भी ऐसे ही, हम सब कुछ बताते हैं कितनी परसेंटेज में है, क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है। हम सिर्फ विटामिन सी नहीं कहते, हम कहते हैं कि थायलेटेड एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें 8% है। अगर आप बिगिनर है तो 8% वाला लो, आप एडवांस यूजर है तो 23% लो। सो दैट इज द थ्योरी बिहाइंड द ब्रांड, और मार्केट में एक्सेप्टेंस भी है इस चीज की। राइट राइट। सो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोग इसमें होते हैं बेसिकली? तो अभी हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा सनस्क्रीन है, जो एक सीरम फॉर्म में आता है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सनस्क्रीन अवेलेबल इन द मार्केट। सनस्क्रीन एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है स्किन केयर का, इट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो लगाने में इट इज नॉट कॉस्मेटिकली एलिगेंट, तो वो हमेशा लगता है कि एक लेयर लगी हुई है या व्हाइट कास्ट आता है या पिलिंग होती है। तो वी हैव मेड सनस्क्रीन इन अ सीरम फॉर्म। राइट, उसे लगाते तो इट्स लाइक कि हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है कि एक लेयर रह गई है, राइट, व्हिच इज बहुत फील होता है कई बार। तो हमने जो हमारा सनस्क्रीन हमने डेवलप करा है, उसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों फिल्टर्स है। ऑर्गेनिक मतलब वो जो ऑर्गेनिक कहते हैं वो वाला ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्गेनिक है मॉलिक्यूल्स, और फिजिकल फिल्टर्स भी हैं। तो वो बहुत कॉस्मेटिकली एलिगेंट है, जो आप रोज लगाना पसंद करोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं सनस्क्रीन लगा, मैंने बहुत कुछ लगा दिया है। जी जी जी। तो वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट सीरम्स आते हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B3, नायसिनमाइड, और ये वाले प्रोडक्ट्स है। दे आर अवेलेबल एट डिफरेंट स्ट्रेंथ्स।
तो बिगिनर फ्रेंडली भी है. उसके बाद इफ यू वंस यू कैन गेट यूज्ड टू द प्रोडक्ट यू कैन स्विच टू आवर स्ट्रेंथ. एंड रिसेंटली वी लॉन्च्ड फेस वॉशेस एंड मॉइस्चराइजर एज वेल. सो दिस इज द प्रोडक्ट रेंज वी हैव राइट नाउ. जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द फेस पार्ट अभी, नॉट इन टू बॉडी केयर और हेयर केयर. Okay, so face related cheesy. Okay, that's very nice. That's very nice. So I want to know like when and how did you begin your like business journey? कहाँ से आपने start किया? Obviously, like आपका जो background था, क्या वो आप business background में ही थे, family में business background करता था, या फिर आप as a entrepreneur, as a startup आपने start किया? क्या किस तरीके से पूरा background रहा, किस तरीके से आपकी business journey रही, and how it actually changes your life? So, I have been a serial entrepreneur. I have never worked. College ke baad se, I've been doing my own things, majorly online e-commerce related. So, was running a supplement store. Then I went into pet care. Usme pet care grooming products banate the hum. And that is where I started understanding this industry, skincare, because raw material same hota hai, ingredient same hote hai. चाहे आप पेट्स के लिए ग्रूमिंग बना रहे हो या ह्यूमंस के लिए बना रहे हो. तो गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट दिस कैटेगरी एंड देन कनिका स्टार्टेड वर्किंग एट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड शी वर्क देयर फॉर 2 years. शी आल्सो गॉट इंटरेस्टेड. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कॉस आईक्यू. दैट इज वेयर द आइडिया केम फ्रॉम. क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही थी तो उसने देखा कि इंडस्ट्री मतलब बहुत ग्रोइंग है, आगे बढ़ रही है, पर ब्यूटी इंडस्ट्री खत्म नहीं हो सकती. राइट जी. पर स्पेसिफिकली स्किन केयर में एक बहुत बड़ा गैप है कि मतलब बड़े ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे थे वहां पे वो, मतलब द टॉप 5 वेल नोन ब्रांड्स इन इंडिया. एंड शी अंडरस्टूड कि वो मतलब एक जो एथिकल ट्रांसपेरेंसी होती है वो अभी तक नहीं है इंडियन ब्रांड्स में. Okay. वो प्रोडक्ट पे विटामिन सी सीरम पे लिख रहे हैं 70% विटामिन सी. 70% विटामिन सी ऐसा होता है कि अगर आप मुंह पे लगा लोगे ना तो आपका मुंह जल जाएगा, लिटरली जल जाएगा. यू कैनॉट पुट दैट काइंड ऑफ विटामिन सी ऑन योर. तो वो लेबल पे कोई भी क्लेम कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, और प्रैक्टिकली कुछ भी, प्रैक्टिकली उसमें 2% विटामिन सी भी नहीं जा रहा. तो वी अंडरस्टूड कि बहुत बड़ा गैप है, कि मार्केटिंग में बहुत फ्लफ जा रहा है, कि एक बहुत बेसिक मॉलिक्यूल विटामिन सी का डाल रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं नींबू की, आंवला की, कोई जिसका कोई लेना देना नहीं है. बहुत सारे ऐड देखते हैं ऐसे, तो बहुत सारे ऐड आते हैं जिसपे ऐसे बोलते हैं कि नींबू लगा लो या रस लगा लो या ऐसे कोई भी चीज लगा लो, आप गोरे हो जाओगे, आप सुंदर दिखोगे एकदम से. आई थिंक ऐसी चीजें नहीं होती, बहुत ही गलत क्लेम्स भी कर दिए जो की बहुत ही अनएथिकल है. राइट, यू आर वेरी वेरी राइट. हां, तो वो हम एक चीज है जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं मार्केट में, कि हमारे एंड से कुछ भी क्लेम आएगा या हमारे एंड से अगर हम प्रोडक्ट में कहेंगे 8% है तो इट इज 8%. यू कैन गो टू अ लैब एंड टेस्ट, इट विल बी 8%. ऐसा नहीं कि हम उसमें 0.8% डालेंगे और लिख देंगे 8% है. बहुत सारे लेबल्स अभी तक, बहुत सारे बड़े ब्रांड लेबल पे लिखते ही नहीं है कि कितना परसेंट है. So that is one thing we want the customers. Hamare brand ki tagline hai intelligent skincare. So we want to share that knowledge ki acha. Aur kai baar aisa hota hai ki bahut zyada strength bhi aapko nahi chahiye hoti. Right. Jaise we have niacinamide 20% vitamin B3 hota hai jo niacinamide. But we don't advise it for each and everyone. That is for advanced users. Jinko skin pe ज्यादा इशू है और उनको वो हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, किसी की बहुत सेंसिटिव होती है, किसी की ड्राई होती है, सो सबके स्किन के हिसाब से अलग अलग चीज होती है. तो दैट इज वेयर वी आर बिल्डिंग द ब्रांड. एंड वो आइडिया भी वहीं से निकल के आया कि कोई ब्रांड बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ सामान बेच रहे हैं कि हाँ हमारे पास विटामिन सी है ले लो, इसमें नींबू का रस है, नींबू से कुछ लेना देना नहीं है, विटामिन सी कौन सा है पता नहीं, क्लिनिकली टेस्टेड है पता नहीं, कोई टेस्ट रिजल्ट है, कोई साइंटिफिकली बैक कहीं से है वो पता नहीं. तो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू चेंज एंड दैट इज हाउ कॉस आईक्यू केम इनटू बीइंग. राइट,
सो आपके हिसाब से कि आपका जो मेन एम है वो सिर्फ एक स्किन केयर प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कराना नहीं मार्केट को, लोगों को, जबकि नॉलेज, राइट नॉलेज प्रोवाइड कराना भी है कि सही नॉलेज होना चाहिए तभी आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हो, और कोई आप गलत ब्रांडिंग नहीं दे रहे हो, आप गलत अनएथिकल चीजें नहीं कर रहे हो, जो आपके प्रोडक्ट में है वही एग्जैक्टली आप मार्केट को बता रहे हो, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो एक्चुअल में वो है वो वही चीज दिखाते हैं, नॉट जस्ट लाइक कि उन्होंने प्रोडक्ट बेचना है इसलिए उन्हें ये चीज कर रहे हैं। सो दैट इज अ एग्जैक्टली वंडरफुल थिंग, वंडरफुल थिंग। एक और क्वेश्चन आता है कि आपने जैसे बोला कि यहाँ से आपका कॉस्ट आईक्यू का आइडिया आपको मिला, सो आपका ठीक है आपका वो आइडिया मिला, लेकिन वो जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई कॉस्ट आईक्यू की, आपने क्या चीज करी एंड यू नो क्या इंस्पिरेशन थी आपको आपकी इसके पीछे एग्जैक्टली? तो हमने आइडिया हमारे को जब कॉस्ट आईक्यू का भी डिसाइडेड कि वी हैव टू स्टार्ट कॉस्ट आईक्यू, उससे एक साल पहले तक वी वर रिसर्चिंग ऑन द प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, और कनिका जहाँ पे काम कर रही थी शी हैड एक्सेस टू ऑल द इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड वाइड, जो भी आप बड़े नाम सुनते हो, चाहे वो बेयर हो गया, चाहे वो डाउ केमिकल्स हो गया, एंड the biggest names you know, she had access to those people and their jo world mein latest and greatest ingredients hai, jo unke piche ki scientific studies hai, she had access to those. So we took about a year before actually launching in the market to develop the products and to understand ki kahan pe gap hai aur kya product hai jo finally end mein jaake customer ko result dega, because eventually you are buying a product to improve your skin, either texture or to do something to your skin, and that is our aim. Par ha, hum log usko ye nahi kehna chahte ki theek hai, I am not denying ki acha neembu lagane se kuch nahi hota, hota hoga, but there is no scientific proof on that. Right. Aur jab aap neembu laga rahe ho apne muh pe to aap विटामिन सी तो लगा रहे हो, पर उसके साथ 1000 और मॉलिक्यूल्स अपनी स्किन पे लगा रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो. Exactly. So that is how we started. Or uske baad we launched or we got a chance to be on Shark Tank when we were only 4 months in the market. Yeah, मैंने ये चीज देखी, सिर्फ 4 मंथ में आपने काफी अच्छी सेल गेन कर ली थी, उसके बाद आप शार्क टैंक इंडिया में गए थे, सो हाउ लाइक की चीज हुई कैसे एग्जैक्टली? क्योंकि जो बिजनेस स्टार्टअप होते हैं उनको अपना बिजनेस खड़ा करने में ही यू नो 6 मंथ 1 साल लग जाता है, पर 4 महीने में आपने इतना अच्छा किया, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सी, हमने वो 4 महीने मार्केट लॉन्च का दिखता है, पर हमारा पीछे का टाइम नहीं दिखता जो हमने उस पर मेहनत करी प्रोडक्ट पे, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट वॉज so well received in the market कि हमें कोई marketing नहीं करनी पड़ी या हमें उसको push नहीं करना पड़ा, and we got all those word of mouth marketing done जो हमें अपने आप traditional marketing word of mouth okay right वो हमें अपने आप मिल रही थी because the product was working. तो basically हमने marketing पे बहुत कम effort लगाया, हमारा focus सिर्फ था कि product काम करे और product अच्छा हो और product stood out in the market. जैसे हमारा जो सनस्क्रीन था वो सीरम फॉर्म में, वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू लॉन्च अ सनस्क्रीन सीरम, एंड दैट गॉट आई मीन पीपल रिसीव्ड इट वेरी वेल, दैट इज हाउ वी वर एबल टू डू दैट इन 4 मंथ्स. दैट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड दैट्स वेरी नाइस. Okay, so जैसे कि आपने बोला कि Shark Tank India में आप गए थे, so how was your Shark Tank India journey? Last year Shark Tank में आप गए थे, I guess उसमें आपने funding भी ली थी, 50 lakh की funding आपको मिली थी Miss Vinita जो cosmetic sugar cosmetic की founder है and Shark.com अनुपम जी से आपका funding मिली थी, so आपकी overall journey कैसे रही? Shark Tank India में जाने से पहले क्या चीज थी, Shark Tank India में जाने के बाद क्या आपने चीज फेस करी, और उसके बाद आपने क्या चेंजेस महसूस किए एज अ एंटरप्रेन्योरशिप? सो हाँ, शार्क टैंक की जर्नी हमारे लिए बहुत मजेदार थी, एंड बीइंग सच अ यंग कंपनी एंड गेटिंग दैट एक्सपोजर ऑन नेशनल टेलीविजन एट सच एन अर्ली स्टेज वाज रियली हेल्पफुल फॉर अस, एंड ऑफ कोर्स गेटिंग इन्वेस्टर्स लाइक विनीता एंड अनुपम, दे आर
Vinita is like the queen of our industry. Yeah, and true, Anupam true. Is such a seasoned investor. And he understands the business part. You like we have seen your reaction when you got the funding. It's like, okay, wow. And when I was watching your episode and I was like, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे वो फंडिंग मिली मैं भी इतनी खुश हो गई थी सो दैट वाज अ थिंग या बहुत नेचुरल रिएक्शन था एंड गेटिंग सिर्फ फंडिंग वाला पार्ट इतना मतलब डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट एंड गेटिंग दीज गाइज ऑन बोर्ड वाज आल्सो वेरी यस राइट बट एक जो वैलिडेशन था ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है वो बहुत ओवरवेलमिंग था हमारे लिए कि getting that validation from somebody like Vinita jo bahut who is already who's a queen of this industry right exactly so getting that validation for our product and for the brand and even from Ashneer jo pure season mein bahut raw exactly. bahut aggressive rahe hain unhone bhi bola unhone humko bhi comment kara tha kuch aisa ki tumhara naam accha nahi hai बट उनको भी ये था कि द ब्रांडिंग इज वेरी गुड द प्रोडक्ट इज वेरी गुड पैकेजिंग इज वेरी गुड सो वी गॉट दैट वैलिडेशन तो अपने एफर्ट्स का एक बार अप्रूवल मिलता है एक वैलिडेशन मिलता है फ्रॉम पीपल एट दिस स्टेज नन ऑफ द शार्क्स एक नमिता को हम इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए थे बट रेस्ट ऑल ऑफ देम इवन अनुपम अमन फ्रॉम बोट ही सेड दैट द प्रोडक्ट इज ऑन पॉइंट और विनीता और अनुपम ने तो हमें फंड ही करा अश्नीर ऑल्सो सेड कि द प्रोडक्ट द पैकेजिंग द ब्रांड कम्युनिकेशन एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट So, वो validation बहुत बहुत overwhelming थी हमारे लिए। I think वही सबसे ज़्यादा important होती है for the startup कि आपको validation मिल जाए। It's like कि आपको आपने जो भी अभी तक अपना hard work किया है वहाँ पे आपको एक return आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। Right, right, right. So उसके बाद after Shark Tank India क्या changes हुए क्या आपने feel किया क्या exactly चीजें move on हुई आगे की तरफ और अभी तक क्या क्या सब कुछ चल रहा है? See, we have been growing and definitely वो एक push तो मिला ही Shark Tank से and getting exposure on that platform. And we have been growing since then. We have increased products. हम लोग 8 SKUs से गए थे. अभी हमारे पास 25 SKUs हैं. And we were live only on Amazon तब. सिर्फ एक platform थे. अभी हम 10-11 platforms पे live हैं. We are live on Nykaa, Flipkart, okay. marketplaces. Okay. So, yeah, we have been growing and we've got a support from Anupam and Vinita also in terms of advice on where to take the brand in the longer run. So, it has been a wonderful journey. But abhi bhi main kahunga, abhi hum bahut choti company hai, bahut chota brand hai. We have a lot to do, lot to explore right. in terms of where we can go with Cosaiki. राइट राइट सो इसमें क्वेश्चन आता है कि अभी जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ऑल दो यू आर गोइंग रियली गुड एज अ यू नो स्टार्टअप बट स्टिल क्या आपके आगे के प्लान है कि आप इंटरनेशनल लाइक नेशनल को कैटर करने के बाद आप इंटरनेशनल के लिए भी सोचते हो देखिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये सब तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म प्लान तो डेफिनेटली है कि हम इंटरनेशनल एक्सपेंड करेंगे हम ऑफलाइन जाएंगे हम ओमनी चैनल जाएंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग एन ऑनलाइन ब्रांड बट इट इज नॉट आवर फोकस एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 3 months वी विल बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द ऑनलाइन थिंग ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा है अभी हमारे लिए exactly. और हम बहुत छोटे हैं तो वी हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर ऑन दिस सेगमेंट बिफोर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ बिग स्टेप एंड गोइंग इंटरनेशनल और गोइंग इवन गोइंग इन द ऑफलाइन मार्केट बिकॉज वो बहुत डायनामिक चेंज हो जाते हैं बहुत इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाती है एग्जैक्टली तो दैट इज आई थिंक आफ्टर द कोविड लोग ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू ऑफलाइन ये चीज बहुत ही ज्यादा एक चेंज देखने को मिला है आफ्टर कोविड एंड इन कोविड जी कोविड के बाद यस डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन मिला है ऑनलाइन स्पेस को बट अभी भी देखा जाए तो ऑफलाइन इज 90% ऑफ द मार्केट वेयर एवरीबॉडी कम्स टू स्पेंड मनी
ऑनलाइन का ये फायदा है, बीइंग अ वेरी स्मॉल कंपनी वी डोंट हैव टू स्पेंड दैट मच, वी डोंट हैव टू हैव दैट बिग अ टीम. और ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आजकल अमेज़न फ्लिपकार्ट और इन प्लेटफॉर्म्स ने इतना इजी कर दिया है कि यू कैन बी अ सिंगल पर्सन रनिंग द कंपनी एंड यू कैन डू वॉट एवर अनइमेजिनेबल नंबर्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. तो दिस इज आई थिंक अ लोअर हैंगिंग फ्रूट एंड ईजियर अप्रोच अभी के लिए. But ha, long term definitely we'll love to go international, we'll love to go in the offline market, but probably at a later stage. I wish you the best. So ek cheez aur hai ki jaise jaise hamari company grow karti hai waise waise hum bahut sari problems bhi face karte hai. Ek company hai, startup hai, koi bhi cheez pe hum work karte hai, so problems aati hai. So aap apne initial days mein aur abhi bhi kis tarah ki problems aapne face ki, aur as a entrepreneur aap kisi ko bhi kya ek suggestions doge agar aapne khud bhi wo face kari hai, and actually aapne overcome kaise kiya? Dekhiye problems to matlab that is what entrepreneurship is. आपको रोज एक फायर फाइटर का रोल करना है, मतलब इट इज द क्लोजेस्ट प्रोफेशन इज फायर फाइटिंग, कि आपको रोज आग बुझानी है. हर रोज नई प्रॉब्लम्स आती है, इन मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, यू हैव टू फाइट इट, एंड समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लूज, बट यू हैव टू गियर अप, पुल अप योर शॉक्स एंड शो अप द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगर उनसे हार मान जाएंगे तो हम काम नहीं कर सकते. द ओनली थिंग इज यू गिव योर बेस्ट एफर्ट, ट्राई टू ओवरकम द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक इज वेदर यू विन और यू लूज, यू शो अप द नेक्स्ट डे एंड स्टार्ट अगेन. तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट? Never ever give up. Exactly. So that is very nice and inspiring. So according to you, what is your great advice to the young entrepreneurs? आप क्या एक great advice अपनी तरफ से देना चाहोगे? आपने खुद ने काफी चीजें face करी होंगी, खुद ने एक जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारी चीजें होती है, so आप क्या एक advice देना चाहोगे एक young entrepreneur को who has just started their business? Somebody who has started the business, तो ठीक है, पर जिसने नहीं शुरू करा वो आई वुड से कि इट इज समथिंग, इट इज अ स्टेप यू शुड रियली रियली थिंक अबाउट बिफोर टेकिंग, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड वेरी 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 डिफिकल्ट टू रन इट. और जिसने स्टार्ट कर दिया उसको ये कहना चाहूंगा कि इट विल गेट इजियर विद टाइम, you will see progress. तो आपको मतलब you have to be patient and you have to be resilient. कई बार हो सकेगा पूरा दिन काम करोगे और आपको एक शायद एक 200 रुपए का ऑर्डर आएगा, तो you have to be resilient कि ये 200 कभी 2000 होंगे, 2 लाख होंगे, 2 करोड़ होंगे. You have to be patient on that part. तो again show up every day with your full energy. And एक और चीज आई थिंक इज लैकिंग इन जो एक स्पेशली एक जो बहुत यंग ब्लड है जो आके कोई काम शुरू करते हैं, दे आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, एंड आई थिंक दैट उल्टा होना चाहिए कि जो यंग है दे शुड बी मच मोर फ्लेक्सिबल देन अ पर्सन. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और पिवट करना और लिसनिंग टू अदर्स एंड सीइंग द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा बिजनेस है ना, हमारे साथ भी होता है कि कौन सा आईक्यू है, हमारा बिजनेस है तो हमें तो इससे प्यार है, इट इज आवर बेबी, तो वी आर नॉट एबल टू लिसन कि अगर कोई कह रहा है नहीं ये खराब है तो हमको एक्सेप्टेंस नहीं होती कि ये खराब है, अटैचमेंट उतनी हो जाती है कि हम उसके बारे में कुछ गलत अटैचमेंट है. एग्जैक्टली, पर वो सुनना बहुत जरूरी है और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है कि इफ इट इज नॉट वर्किंग इट इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू चेंज. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो इम्प्लीमेंट करो, पर आप यू शुड बी एबल टू लिसन टू इट विद एन ओपन माइंड
and you should be flexible enough to change your approach if required. That's very wonderful, I guess. So one question, ki what would you do if you are not an entrepreneur? Like for example, agar aap is business line mein nahi hue hote, to aap kya hote? Have you ever think about this? Nahi, I have been an entrepreneur. I have been doing my own thing since I got out of college. Before I got out, matlab college ke time pe bhi I was doing my own thing. So, ye mere ko is baat ka jawab mere paas nahi. Because this is the thing I have done. Haan, it can be a different product. Main course IQ nahi kar raha tha, toh main kuch aur kar raha tha. But it would have been my own thing. Not being an entrepreneur is not in my blood, I think. Possible. Your entrepreneurship is in your is in inbuilt. Inbuilt. That's wonderful. So last thing, what is the, you know, what is the key success mantra do you want, you know, or do you find in successful entrepreneurs? You have met so many entrepreneurs, like aap Miss Vinita se mile hain, Anupam ji se mile hain, sabse mile hain. So unse bhi aur all bhi different log jo aap successful logon se mile honge ya aapne dekha hoga ka aap khud mein bhi ek successful entrepreneur देखते हैं अपनी co-founder में भी देखते हैं. So क्या एक successful mantra है आपके according जो आप सभी entrepreneurs में देखते हैं, क्या चीज वो होनी चाहिए और क्या चीज आप advice करते हैं? एक सीखने की एक ना I was reading अमन का post था LinkedIn पे कि I'm उनको कोई award मिला था entrepreneur of the year का, तो he said I don't treat this as entrepreneur of the year. मैं इसको student of the year का award मान के चल रहा हूँ. तो that is, I think वो बहुत inspiring था कि you should have that urge to learn each and every time. आप किसी भी बात से, किसी भी चीज से, किसी भी event से, किसी भी conversation से, you should be ready to learn, ready to listen, ready to learn. तो वो एक चीज I think is a basic requirement for being an entrepreneur. You cannot live in your shell and think this is the universe. क्योंकि आपको रोज एक नया aspect दिखता है, एक नया tangent दिखता है, जो आप सोच भी नहीं सकते या आपके दिमाग में नहीं होता या आप उसके तरफ कभी आपका ध्यान ही नहीं जाता. तो that is one thing I think is very important when being an entrepreneur. I think wonderful. Again, you are, I think, wonderful and entrepreneur. So, last thing I also want to know ki abhi jaise ki festive season hai, to is time pe log zyada shopping kar rahe hain, log, you know, market khul chuka hai COVID is time, to I guess bahut hi achhi Diwali, sab sare festivals bahut hi achhe man rahe. So, according to you, aap apni brand ko kis tarike se isme aage bada rahe hain festive season mein, ya kya aapke plans hain aage apni cause IQ ko lekar? देखिए मैंने अभी जैसे आपको पहले भी बोला था, वी आर नॉट अ पुश ब्रांड. हम कस्टमर पे जाके प्रोडक्ट नहीं थोपते अपना, या हम ये नहीं कहते कि अच्छा दिवाली है तो 90% ऑफ है, 1+1 है, 5+5 है, रोज 25% ऑफ है, डिस्काउंट है, ले लो ले लो ले लो. बेसिकली आवर बेसिक गोल इज टू बी पार्टनर्स इन योर स्किन केयर जर्नी. तो अगर हम आपके एक तरह से दोस्त बन के रहना चाहते हैं आपकी स्किन केयर जर्नी में, आपको उसके रिलेटेड एडवाइस चाहिए, नॉलेज चाहिए और सब्सिक्वेंटली प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगे. वी विल डेफिनेटली वांट कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करो, पर अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोग वी आर प्लेइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन और वी वॉन्ट अस टू बी सीन एज पार्टनर्स. वी डोंट वॉन्ट अस टू बी सीन एज अ दुकान जो आवाजें मार के बोल रही है कि हाँ हमारा सामान ले लो ले लो. राइट राइट एग्जैक्टली. फेस्टिव सीजन में डेफिनेटली एक अपटर्न आता है बिकॉज बैड सेंटिमेंट होता है और लोग आर पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, तो वो तो डेफिनेटली होता है. उससे अपने आप नेचुरल ग्रोथ जो आ रही है वो वी आर थैंकफुल फॉर दैट, बट वी डोंट हैव प्लान्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव मार्केटिंग या बहुत ज्यादा पुश करना ब्रांड को. एग्जैक्टली हमारा मतलब हमारी मार्केटिंग और हमारी ब्रांड थ्योरी ही इस पे बेस्ड है
we want to be your knowledge partners, and we want to be your partners when it comes to skin care. That is it. तो वो स्किन तो आपकी जिंदगी में साथ में है, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप 90 साल के हो, कोई भी एज ग्रुप, और वो दिवाली पे भी वही स्किन रहेगी और एक नॉर्मल डे पे भी वही स्किन है. तो हमारा कोई स्पेशल दिवाली, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली. दिवाली इज जस्ट अनदर डे, बिकॉज इट इज द सेम स्किन यू आर कैरिंग ऑन दिवाली जो आपकी एक दिन पहले है, या जो आपकी भैया दूज पे होगी, या जो आपकी होली पे होगी. तो दैट इज द आइडिया. So, क्या एक एडवाइस देते हो स्किन केयर से रिलेटेड सबको? एक लास्ट एडवाइस आप क्या देना चाहोगे सबको, ऑडियंस को? स्किन केयर से रिलेटेड एक तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी प्रमोट एंड आई पर्सनली फील इज वेरी इम्पोर्टेंट इज कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योर स्किन. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो ऑयली है. अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो वो है. डोंट ट्राई टू चेंज दैट. डोंट ट्राई टू चेंज व्हाट यू आर. देयर इज ऑलवेज वेज टू सपोर्ट योर स्किन. और स्किन केयर इज टू मेक योर स्किन हेल्दी, टू सपोर्ट योर स्किन. इट इज नॉट देयर टू चेंज योर स्किन. हम कभी भी नहीं कहते कि हम आपकी स्किन बदल देंगे. हाँ, हम आपकी स्किन को सप्लीमेंट करेंगे, आपकी स्किन को हेल्प करेंगे टू बिकम हेल्दी टू. But eventually, this is the skin you have. You have to be comfortable with it. Yeah, you have to be confident कि आपकी skin है ये, उसके साथ properly आप खुश रहो. खुश रहो. मतलब हाँ, definitely अगर आपको acne है, we'll help you out on that. पर अगर आप कहो कि नहीं हम काले हैं या हम मेरी skin बहुत oily है, ये बहुत बड़ी problem है. सबकी oily नहीं होती, मेरी oily है. We'll help you deal with that oiliness, but you have to accept कि आपकी skin oily है और वो you have to work on that part. Right. So that is the basic, I think, ek wo sensibility bahut zaruri hai develop karna before getting into skincare. And that is where we want to come in. We just don't want to be a product company. Main aapko acne ke liye hamare 5 product recommend kar sakta hu. But eventually you'll have to accept ki you have an acne prone skin. Exactly. Aur aisa koi jadoo ki chadi nahi hai जो आपकी एक्ने प्रोन स्किन को बहुत नॉर्मल स्किन कर देगी. यू विल हैव एन एक्ने प्रोन स्किन. तो दैट इज आई थिंक द बेसिक एडवाइस. और प्रोडक्ट वाइज इफ यू आस्क, आई थिंक जितना ज्यादा सनस्क्रीन अपने रूटीन में ला सको, दैट इज आई थिंक द बेसिक थिंग. क्योंकि हम लोग रियलाइज नहीं करते कि हमारी स्किन जो एज होती है वो उसमें सन एक्सपोजर इज अ बिग बिग फैक्टर. राइट, रोज बाहर निकलते हैं, रोज सन एक्सपोजर होता है बहुत ज्यादा स्किन को. राइट, एग्जैक्टली. सो इफ यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन, यू विल गिव इट एन एक्स्ट्रा, यू विल गिव इट एक्स्ट्रा इयर्स टू, आई मीन एक्स्ट्रा इयर्स टू बी हेल्दी. तो दैट इज आई थिंक दैट इज इट. एक सनस्क्रीन रोज लगाओ अगर पॉसिबल हो तो, या जितना और कॉन्फिडेंट रहो, ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हो उसको. जी, एंड दैट इज इट. जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर स्किन एंड ट्राई यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सूटेबल फॉर योर स्किन, नॉट बिकॉज योर फ्रेंड इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट. राइट, और कोई सेलिब्रिटी उसे यूज कर रहा है इसलिए आप उसे यूज करो. एग्जैक्टली, नॉट शुड, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. वो यूज करो जो आप करना चाहते हो. राइट, और लेवल पढ़ना सीखो कि लेवल पे है क्या. हाँ, एग्जैक्टली. वही लोग नहीं पढ़ते हैं, बस देख लेते कि अच्छा ये वाला इन्फ्लुएंसर ये यूज कर रहा है, चलो यही खरीद लेते हैं आज. और फिर उसे यूज करने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये तो गलत है. क्योंकि वही कई बार प्रोडक्ट अच्छा होता है बट इट इज नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन. एग्जैक्ट. तो आपको ये बात, आपको अपनी स्किन समझना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए.